हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सेक्स सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अलवर यूनिवर्सिटी जो है वो एक और यूजी फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि उसे यूजी यूनिवर्सिटी जो अलवर यूनिवर्सिटी है यूजी का जो कौन सा रिजल्ट घोषित किया है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। तो चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है और सर्च करना है RR, उसके बाद BMU। यहाँ पर आप देख सकते हैं RR BMU सर्च कर देना है। चलिए मैं सर्च करता हूँ और सर्च करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन, इसको आपको टाइप करना है। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का आपको आपके सामने इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम 2021 ऑनलाइन फ्रॉम एग्ज़ाम 2020 रिजल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पर टाइप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगला स्टेप यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट पैनल, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट पैनल, यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट पैनल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा रिजल्ट 2020 एंड 21। कॉर्नर में जो लिखा हुआ है रिजल्ट 2020 एंड 21, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट एग्जाम ईयर टाइप, यहाँ पर पूछ रहा है आपको सेलेक्ट एग्जाम ईयर टाइप और सेलेक्ट रिजल्ट टाइप और सेलेक्ट यूजी पीजी अदर कोर्स यहाँ से और सेलेक्ट क्लास फॉर रिजल्ट यहाँ पर आपको। तो चलिए मैं यहाँ पर भर के फॉर्म दिखाता हूँ कैसे भरा जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है और 2021 पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट रिजल्ट टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मेन पे क्लिक कर देना है। चलिए और उसके बाद सेलेक्ट यूजी पर आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं यूजी का रिजल्ट घोषित हुआ है तो आपको यूजी पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्लास फ्रॉम रिजल्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BCom Part 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं BCom Part 3 यही आपको घोषित हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद प्रोसीड फॉर रिजल्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो रोल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, रोल नंबर डाल के देख सकते हैं यहाँ पर, या रोल नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बाई नेम फादर्स नेम यहाँ पर अपना नाम और अपने पिता का नाम डालिए और यहाँ से प्रोसीड कीजिए, प्रोसीड पर क्लिक कीजिए और अपना रिजल्ट देखिए। तो यहाँ पर से आप रोल नंबर से भी देख सकते हैं यहाँ से, और फादर्स नेम और नेम अपना नेम डालिए और फादर्स नेम डालिए यहाँ से देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।